हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है। 12वीं पास वालों के लिए पक्की सरकारी नौकरी का अवसर आ गया है। आपकी जो पोस्टिंग होगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होगी। जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट बताई है सारी अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे दोस्तों, सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है। आपकी जो पोस्टिंग होगी यहीं पे होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी पोस्ट के बारे में। 12th पास की पोस्ट निकली है एलडीसी की, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आउट हुई है। इसमें जो सैलरी मिलेगी लेवल 2 के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि 20,000 से 25,000 आपकी लगते ही सैलरी बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक क्राइटेरिया और मांगा है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों अपनी अगली पोस्ट की बात करते हैं, 12th पास की ही पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है दोस्तों। इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, जो कि लगते ही 30,000 से 35,000 के बीच आपकी सैलरी बनती है। इसमें दोस्तों एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 27 साल। 18 से 27 के बीच अगर आपकी एज है और आपको स्टेनोग्राफी आती है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा दोस्तों, पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। ये पूरा प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। पक्की सरकारी नौकरी है दोस्तों, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल का पंगा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट की। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपको सेंड कर देने हैं दोस्तों इस एड्रेस पे। ध्यान से समझ लेना, इस एड्रेस पे आपको सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ दोस्तों आपको अपना एक रिज्यूमे भी अटैच करना है, सीवी जरूर लगाना है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से समझना। एडवर्टाइजमेंट एक बार रीड आउट आप जरूर कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। 9 अप्रैल 2021 से पहले पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहुंच जाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।